आपका स्वागत है रैपिड टेक्नोलॉजीज़ के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे लॉयल्टी प्रोग्राम सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है, कैसे इसका बैकएंड पैनल होता है, कैसे इसका ऐप चलता है, कोड जनरेशन किस तरीके से होता है और ये इस ऐप को पूरा किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। आपके सामने ये जो है बैकएंड पैनल है जो ओनर के पास होता है। इस बैकएंड पैनल की मदद से पूरा लॉयल्टी प्रोग्राम सिस्टम का ऐप मैनेज किया जा सकता है बहुत इजीली। तो फिर अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा मिलते रहेंगे। ऐप के डैशबोर्ड पे ये बैनर्स होते हैं, इमेज स्लाइडर, इनको बहुत इजीली अपडेट किया जा सकता है। अगर आप डैशबोर्ड पे देखेंगे बैकएंड पैनल में तो यहाँ पे दो बैनर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत इजीली इनको मैनेज किया जा सकता है। दो इमेज ऑलरेडी जो आपने ऐप में देखे वो यही है। प्लस बटन पे क्लिक करके एक नया बैनर या इमेज बहुत इजीली ऐड किया जा सकता है। चूज फाइल करके जो भी आप इमेज सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और तुरंत वो ऐप में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पे लोगो ही अपलोड किया है और क्रिएट बटन पे हिट करते ही आप देख सकते हो एक नया इमेज इमेज स्लाइडर या बैनर्स में ऐड हो गया है। अगर हम ऐप ओपन करेंगे तो ऐप में भी तुरंत आपको ये देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैनर अब अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से एक ओनर को हम पूरा एक्सेस देते हैं ऐप को पूरा कस्टमाइज करने के लिए। सारी चीज़ें ओनर अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। पिछली बार हमने एक फीचर देखा था बिजनेस पोस्ट नाम से। ये बिजनेस गैलरी रहेगा बेसिकली। यहाँ पे ओनर को जो भी पोस्ट डालना है बहुत इजीली इमेज टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड किया जा सकता है। चलिए हम क्या करते हैं, एक बेसिक टेस्टिंग पर्पस एक पोस्ट ऐड करके देखेंगे एडमिन पैनल से। यहाँ पे बिजनेस गैलरी नाम से आपको फीचर देखने मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी दो पोस्ट हमने ऐड किए हैं टेम्पररी। ये फीचर आपको बहुत काम आएगा ताकि अगर आप आपके बिजनेस में कुछ नई चीज़ लॉन्च कर रहे हो या बिजनेस के रिलेटेड इंस्टाग्राम टाइप कोई पोस्ट ऐड करना चाहते हो आप आपके कस्टमर्स के लिए आपके ऐप में, तो बहुत इजीली वो यहाँ से किया जा सकता है। इमेज टाइटल और डिस्क्रिप्शन एंटर करके एक नया पोस्ट बहुत इजीली क्रिएट किया जा सकता है। अब ये बेसिक एक पोस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है लोगो और टेस्टिंग नाम से, और ये ऐड होते ही अब ये ऐप में अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो विद इन अ सेकेंड ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपके कस्टमर्स को हमेशा नई नई जानकारी आपके बिजनेस के बारे में पता चलती रहेंगी इस बिजनेस पोस्ट एक कॉम्प्लीमेंट्री फीचर के वजह से। ये ऐप पूरा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। सारी चीज़ें सारी फंक्शनैलिटी अगर आपके रिक्वायरमेंट अलग है कुछ तो आपके हिसाब से पूरा डेवलप किया जा सकता है। तो फिर चलिए अब देखते हैं किस तरीके से कोड्स जनरेट किए जा सकते हैं इसमें। अब ये हमने पोस्ट डिलीट किया तो रिफ्रेश करते ही ये पोस्ट भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। ये पूरा ऐप डायनामिक है, रिस्पॉन्सिव है, जिसकी मदद से ओनर कभी भी इसे अपडेट कर सकता है। तो फिर जब भी कोई नया कस्टमर इस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करता है तो उसे एक प्रोफाइल सेक्शन का एक पेज ओपन हो जाता है जहाँ से वो कस्टमर अपना प्रोफाइल को बहुत इजीली अपडेट कर सकता है इमेज फुल नेम ईमेल पिन कोड के साथ। और फिर और एक ऑप्शन मिलता है आपको बैंक डिटेल्स का, तो वो भी सब कुछ बैंक डिटेल्स वगैरह यहाँ से अपडेट किया जा सकता है। पैनल पे कस्टमर का सेक्शन है जहाँ से ओनर को सारे कस्टमर्स हमेशा यहाँ पे देखने मिलेंगे इमेज वगैरह सब डिटेल्स के साथ। और यहाँ पे हिस्ट्री एडिट डिलीट ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है जिससे कस्टमर मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है। तो फिर चलिए अब कोड्स को जनरेट करते हैं। कोड्स का सेक्शन है जहाँ पे बैच वाइज आपके कोड्स को क्रिएट किया जा सकता है। आप देख सकते हो ऑलरेडी एक बैच हमने यहाँ पे 1000 पॉइंट्स की बनाई है जिसमें ऑलरेडी 50 कोड्स है। तो इस तरीके से एक नई बैच हम बहुत इजीली बना सकते हैं।
तो सपोज़ कीजिए कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपने आपके फैक्ट्री में या प्लांट में 100 प्रोडक्ट्स बनाए जिनमें आपको QR अब डालना है, तो यहाँ पे क्वांटिटी आपने 100 कर दिया। अब उस 100 QR की पॉइंट्स वैल्यू कितनी चाहिए, 2500 तो हमने यहाँ पे एंटर कर दी, और फिर वो प्रोडक्ट किस रिलेटेड है उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर एंटर करना है, ताकि फिर वो QR जो बनेंगे उसमें ये टाइटल, ये सारा डेटा जो है उसमें सेव हो जाएगा। आप देख सकते हो अब हमारा बैच 2500 पॉइंट्स का यहाँ पे बन चुका है, जिसमें अराउंड टोटल 100 कोड्स है। तो इसकी सारे कोड्स अगर हमें देखने, तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, व्यू पे क्लिक करते ही हमें ये सारे कोड्स अब यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। अब ये सब वैलिड कोड्स है, इन कोड्स को आप बहुत इजीली एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब आप देख सकते हो ये सारे कोड, इनकी पॉइंट वैल्यू और स्कैन बाय, स्कैन डेट, स्कैन टाइम, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, और इनको एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो, ताकि आप बार टेंडर जैसे सॉफ्टवेयर में इनको इंपोर्ट करके आपके QR कोड के डिज़ाइन के हिसाब से आप मल्टीपल QR कोड्स बना सकते हो। अब इस वैलिड QR को हम ऐप से स्कैन कर सकते हैं। इसको स्कैन करने के बाद इसमें जो भी पॉइंट सेट थे ये क्लाउड सर्वर से फेच हो जाता है और ऐप के वॉलेट में बहुत इजीली ऐड हो जाता है। एक कोड एक बार स्कैन करने के बाद फिर से यूज नहीं हो सकता है, एक कोड सिर्फ एक ही बार स्कैन हो सकता है। अब जैसे ही ये वॉलेट में ऐड हो चुका है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में भी आपको तुरंत इस कोड के डिटेल्स देखने मिलेंगी, और पैनल पे भी ये अब तुरंत अपडेट हो गया है। ये विद इन अ सेकेंड यहाँ पे अपडेट हो जाता है कि किसने स्कैन किया है, किस डेट पे किया है, क्या टाइम पे किया है, ये फिर अब कोड फिर से यूज़ नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से चलिए और एक QR को हम स्कैन करके ऐप से देखते हैं। ये हमने और एक QR को स्कैन किया और ये भी अब ऐड टू वॉलेट करते ही इस पॉइंट हमें वॉलेट में ऐड हो जाएंगे ये सारे। अब आप देख सकते हो 5000 पॉइंट्स वॉलेट में ऐड हो चुके हैं, और हिस्ट्री में भी अब ये कोड यहाँ पे हमें देखने मिल जाएगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। ये सारी हिस्ट्री यूज़र को तो दिखती है, लेकिन पैनल पे भी विद इन अ सेकेंड लाइव ये सबको, एडमिन को, ओनर को देखने मिल जाती है। ये अलग एक बैच थी, इसमें का भी एक QR चलिए हम स्कैन करके देख लेते हैं। इसमें कई सारे ऑलरेडी हमने स्कैन किए थे अलग मोबाइल से, तो चलिए कोई और एक QR हम इसको स्कैन करके देख लेते हैं। तो फिर ये स्कैन होते ही आप देख सकते हो इस QR के डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये एक अलग बैच का एक QR था 1000 पॉइंट्स का, तो 5000 से 6000 हमारे पॉइंट्स हो चुके हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी आप बहुत इजीली देख पाएंगे, सारे कस्टमर के ट्रांजैक्शंस भी एडमिन बहुत इजीली देख सकता है। ट्रांजैक्शन सेक्शन में जो भी कस्टमर किस डेट पे क्या क्या स्कैनिंग किया है वो सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे कंबाइंड एडमिन पैनल में यहाँ पे देखने मिलेंगे। जैसे कि किसी ने रिडीम किया है तो रेड कलर में रिडीम दिखेगा, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आपको देखने मिलेंगी कि किस मोबाइल डिवाइस ने कब स्कैन किया है। और फिर उसी तरीके से रिडीम रिक्वेस्ट का एक अलग से सेक्शन है, जहाँ पे सिर्फ आपको रिडीम, जो भी जिसने भी रिडीम रिक्वेस्ट ऐड की है वो यहाँ पे आपको देखने मिलेंगी। चलिए हम क्या करते हैं, एक हमारे ऐप से रिडीम रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे 6000 पॉइंट्स है, तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया है कि 2% ही जो भी बैलेंस है उसका हमें 2% ही रिडीम करते आना चाहिए, और इस 2% को भी आप बैकएंड एडमिन पैनल से चेंज कर सकते हैं। हम वो भी देखेंगे किस तरीके से हम वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एवरी 7 days का भी कंडीशन है, एवरी 7 days में एक बार ही रिडीम रिक्वेस्ट ऐड की जा सकती है। आप देख सकते हो ये 120 पॉइंट्स की रिडीम रिक्वेस्ट अब यहाँ पे ऐड हो गई है। अगर हम इसको फिर से रिडीम करेंगे तो अब ये रिडीम नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एवरी 7 days आफ्टर ही रिडीम किया जा सकता है। तो यहाँ पे वो एरर आ चुका है कि रिडीम्शन आफ्टर 7 days, और अब पैनल पे हम रिफ्रेश करेंगे तो विद इन अ सेकेंड हमें ये रिडीम रिक्वेस्ट यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। आप देख सकते हो 120 पॉइंट्स की रिडीम रिक्वेस्ट किसने की है, कब की है, क्या टाइम पे की है, और उसका करंट स्टेटस क्या है। अगर हम ये पेंडिंग से कंप्लीटेड करते हैं तो ये ग्रीन में हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसके पैसे हमने 120 रुपीज़ इसको दे दिए हैं, तो इसके वजह से आप ये स्टेटस को बहुत ईजिली यहाँ से मैनेज कर सकते हो। हम सारे
पेंडिंग रिडीम रिक्वेस्ट को एक्सेल फाइल में बहुत इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑल का ऑप्शन है, जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट है उनका हमें एक्सपोर्ट फाइल मिल जाएगा, जो हम बैंक को फिर दे सकते हैं। बैंक डिटेल्स के साथ आपको ये मिलता है, ताकि बहुत इजीली ये पेमेंट को प्रोसेस किया जा सके। तो फिर जैसे कि हमने कहा, ये पूरा ऐप डायनेमिक है। ये कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है, इसके सारी चीज़ें आप आपके पैनल से मैनेज कर सकते हो। कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप, ये सब कुछ डिटेल्स आप एडमिन पैनल से अपडेट कर सकते हो। हमारा ये कॉन्टैक्ट पेज बहुत क्लीन एंड सिंपल है, ताकि कस्टमर कोई भी इजीली आपको कनेक्ट कर सके। सेटिंग्स में आपको इन सभी चीज़ों को अपडेट करने में यहाँ पे मदद होती है, ईमेल, मोबाइल नंबर और ये सारी चीज़ें। और फिर यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, रिडीम परसेंटेज। यहाँ पे हमने करंटली इसको 2% रखा है, कि जो भी पॉइंट्स है उसका 2% ही रिडीम कर सकेगा। अगर हम इसे 100 करके अपडेट कर देते हैं, तो अब कस्टमर 100% जो भी पॉइंट्स से पूरे रिडीम कर सकता है। रिडीम बटन पे क्लिक करते ही अब 100% उसके सारे पॉइंट्स वो बहुत इजीली रिडीम कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे और एक ऑप्शन है, रिडीम थ्रेशोल्ड नाम से। अभी यहाँ पे 1000 का थ्रेशोल्ड रखा है, अभी अगर हम इसे 10,000 का थ्रेशोल्ड करते हैं, तो जब भी इसके कस्टमर के पॉइंट्स 10,000 होंगे, तब ही कोई कस्टमर रिडीम कर सकता है। अभी अगर हम रिडीम पे बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमें मैसेज आ जाएगा कि मिनिमम पॉइंट्स रिक्वायर्ड फॉर रिडीमशन इज 1000। तो इस तरीके से हमने ज़्यादा से ज़्यादा सारी फंक्शनैलिटीज़ एडमिन और ओनर के ऊपर दी है, ताकि वो अपने हिसाब से ऐप को पूरा मैनेज कर पाएगा। यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर कस्टमर की हिस्ट्री देखनी है, तो वो भी बहुत इजीली देखी जा सकती है। यहाँ पे आप सारे ट्रांजेक्शन्स देख सकते हो, कि एक कस्टमर ने पूरे उसके टाइम स्पैन में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स किए हैं, और इनको एक्सपोर्ट भी बहुत इजीली किया जा सकता है। फिर इस तरीके से ये पूरा सॉल्यूशन एक कस्टमाइज आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप किया जा सकता है। हमारी इसमें काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, आप हमसे जुड़िए, और ताकि आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका सॉल्यूशन बहुत इजीली डेवलप किया जा सके। हम हमारे क्लाइंट्स को पूरा प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनका फाइनेंस इस ऐप के थ्रू प्रॉपर चले। इस ऐप में सिक्योरिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट्स एक रियल मनी है, जो आपके कस्टमर्स रिडीम करने वाले हैं। और फिर ये तो एक सिर्फ वर्जन 1 हो गया। इसमें आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनालिटिक्स और वो बाकी बहुत सारी चीज़ें भी ऐड की जा सकती है, ताकि कौन से बैच ने कितना परफॉर्म किया है, कौन से कस्टमर ने टॉप परचेसिंग की है, ये सारी चीज़ें इस लॉयल्टी प्रोग्राम ऐप की वजह से आपको आपके बिजनेस का पूरा एनालिटिक्स देखने मिल जाता है। तो इस तरीके से आज ही हमसे जुड़िए, एक अफोर्डेबल कॉस्ट में, वन टाइम कॉस्ट में पूरा अनलिमिटेड सॉल्यूशन आपके बिजनेस का वाइट लेबल आप हमसे डेवलप करवा लीजिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आज ही हमसे कनेक्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपसे फिर मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।